नमस्कार। तुला राशि पर तीन विशेष बातें हम आपको बताएंगे जिनका संबंध सरोकार सीधा संबंध तुला राशि से है। वो तीन बातें कौन सी हैं? आप सब प्रबुद्ध बुद्धिमान लोग हैं, बहुत आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे। ये वीडियो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। जिनकी कुंडली में तुला लग्न होगा या तुला राशि होगी उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कंफ्यूजन ना रखें। आपका कौन सा लग्न है कौन सा नहीं है, अगर तुला राशि है तो देखें, तुला लग्न है तो देखें, बाकी लग्नों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ तुला लग्न, सिर्फ तुला राशि जिनका जन्म चित्रा स्वाति और विशाखा नक्षत्र के अनुसार तुला राशि बनती है। आइए शुरू करते हैं तीन प्रमुख बातें। नंबर वन, पहली बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक, चार महीने से अधिक, बृहस्पति रेट्रोग्रेड मोशन में होने जा रहा है, नहीं कहेंगे हम, हो चुका है और होने जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि यह बृहस्पति 4 फरवरी 2025 तक रेट्रोग्रेड मोशन में रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जिस वर्ष स्थिर राशियों और कुंभ पर्व का आयोजन हो और बृहस्पति वक्री हो जाए तो बहुत कम देखने में आता है, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि तुला राशि पर या तुला राशि की जो पब्लिक है, तुला लग्न या तुला राशि के जो जातक हैं, बहने भाई बच्चे वृद्ध प्रबुद्ध लोग, सबके ऊपर, सबकी सेहत पर इस अष्टम गुरु का प्रभाव क्या हो सकता है, एक तो हुआ ये। दूसरा ये है कि वक्री चल रहे बहुत दिन से, शनि 29 जून से चल रहा था, अब आगामी अगले मास में 15 नवंबर के बाद वो मार्गी पोजीशन में आएंगे। दो विशेष बात हुई। और तीसरी ज्यादा प्रमुख, छोटी छोटी बातों को, जिसे समाचार होते हैं ना कि छिटपुट घटनाएं, उनकी जिक्र नहीं हम कर रहे, मोटा जो इफेक्ट है, बड़े बड़ी बात कर रहे हैं हम आपसे। 12th हाउस में चल रहे केतु के स्वभाव प्रभाव लक्षण और होने वाले साइड इफेक्ट पर चर्चा करना नितांत आवश्यक है। अब इन तीनों का धीरे धीरे सबके साथ रिलेशन बनेगा। इन बातों का, आपकी जो राशि है, आपकी राशि है वायु तत्व, वायु तत्व राशि तुला राशि, तुला लग्न है। आपके लिए जो वायु है वो अनुकूल नहीं है। सबसे प्रमुख बात है जिसकी हमने चर्चा नहीं की, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। आगामी आने वाले कुछ ही दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही तुला राशि पर नीच राशि में सूर्य का प्रवेश माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच राशि में होता है और ये ट्रांजिट 7:42 सुबह होगा और ऐसी पोजीशन में उस तुला राशि में गए हुए सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। कारण क्या है? यहां षडाष्टक योग बना रहा है सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन। इसको हम कैसे देखते हैं या किस प्रकार से आप देखोगे या इसके साइड इफेक्ट को महसूस करोगे? बृहस्पति की दृष्टि ना होना अपने आप में एक साइड इफेक्ट है।
नंबर एक। दूसरा, आपकी संतानों के लिए, आपकी जमीन मकान सवारी प्रॉपर्टी के लिए, आपके घर में सुख देने के लिए, डोमेस्टिक समस्याओं को दूर करने के लिए। आपका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, सुख का स्वामी है, वह अपने मूल त्रिकोण में मजबूत स्थिति में है। क्लियर है बात? अब ऐसी स्थिति में जब 20 अक्टूबर को मंगल का दुष्प्रभाव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शनि पर होगा और आपकी लग्न राशि पर भी अत्यंत विस्फोटक ग्रह होगा, इसीलिए कहीं भी अग्निकांड, बिजली से संबंधित काम, ड्राइविंग से रिलेटेड तथा भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी से जुड़े मामले, कहीं गवाही देना या गारंटर बनना, आप कम से कम 21 जनवरी 2025 तक बंद कर दो ये काम। बहुत लोग आएंगे मदद कर मांगने के लिए, मेरा ये काम करा दो, मुझे यहाँ गवाही दे दो, मुझे पैसा दे दो। नहीं, आज की तारीख में किसी को पैसा उधार देना या आउट ऑफ वे जाकर के मदद करना अपने आप को परेशानी में झोंकने के समान है। कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी बातें कि पंडित जी शिक्षा कैसी दे रहे हैं, मुझे तुला राशि के जातकों को सुरक्षित रखना है, इसलिए मेरा बोलना तर्कसंगत बनता है। अब हम बात इस पर भी कर लेते हैं कि छठे भाव में चल रहे राहु के गोचर से आपके कई हजार दोष, कई हजार शत्रु, कई हजार अड़चने, कई हजार परेशानियां दूर होंगी। कारण क्या है? अकेला राहु ही सबके ऊपर भारी पड़ जाता है, चाहे मंगल की दृष्टि हो, चाहे सूर्य नीच में हो, चाहे आपका कोई भी ग्रह नुकसान दे रहा हो, चाहे गुरु की दृष्टि ना हो। कारण, लेकिन यहां कमजोर कड़ी कहां है, वीकनेस कहां है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है? ट्रांजिट मोशन में वीक पॉइंट यह है कि आपके छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, शत्रु राशि में। बस एक चीज है बहुत सकारात्मक, जो अभी हाल ही में शुक्र का जो बदलाव आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी स्थान में हुआ है 12 तारीख से, यानी के रिसेंटली, ये आपके लिए अमृत संजीवनी बनी हुई है, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर स्वग्रही दृष्टि है। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आपके 12वें भाव में केतु का संचरण ट्रांजिट चल रहा है और 18 मई 2025 तक ये ट्रांजिट केतु का हिलने वाला नहीं है। अब केतु का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं क्या, ताकि आप समझ पाए। जब समुद्र मंथन हुआ तो राहु केतु की शिकायत चंद्रमा और सूर्य के द्वारा की गई, इसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा केतु। केतु का मतलब है कटा हुआ, राहु का मतलब ऊपर का हिस्सा, वो आंख से देख भी सकता है, रूप बदल सकता है, माया भी है। और केतु क्या है? नीचे का हिस्सा। आपने देखा होगा कभी छिपकली या सांप की पूंछ कट जाती है तो वो जो पूंछ है बहुत देर तक ऐसे हिलती रहती है, तड़पती रहती है, ऐसे ऐसे बहुत देर तक हिलती है, बहुत उसके अंदर वाइब्रेशन प्रकंपन होता है। तो केतु है वो, कटा हुआ हिस्सा केतु है, धड़ है वो। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है केतु शिखर पर भी पहुंचा देता है मनुष्य को, केतु सीढ़ी भी है, केतु झंडा भी है, और
केतु मोक्ष का कारक भी है, लेकिन आज की तारीख में केतु कहाँ चल रहा है? द्वादश भाव में। द्वादश भाव का केतु, मेरे शब्दों को पकड़ना, द्वादश भाव का जो केतु है वो मनुष्य को इस बात की छटपटाहट बेचैनी करता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही जगह हो, मैं जल्दी से जल्दी पैसा लगाऊं, मैं घर से निकलूं, तो लॉस भी कराता है, लॉस के लिए बेचैन करता है आदमी, मैं नुकसान कर बैठूं अपने घर का, यात्रा में जाऊं, तीर्थ यात्रा में चला जाऊं, मैं घर से निकलूं किसी तरह से, ये छटपटाहट है उस छिपकली और सांप की पूंछ की माफिक, ये बेचैन करता है मनुष्य को। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है तो हूं कहीं मैं, मेरा दिल कहीं है और है, और ऐसे व्यक्ति भीड़ में जब 50-60 लोगों की भीड़ में जाएंगे वहां खो जाएंगे, और पार्टी एंजॉय करते रहेंगे लोग बाग, आप जो है आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचते रहेंगे, ये केतु का स्वभाव प्रभाव और लक्षण है। तो खर्चे से बचना है, लेकिन केतु आपको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कराएगा, सोचना है आपको, इन्फेक्शन बीमारी झगड़े तनाव टेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजूल खर्ची तथा अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, अग्नि तत्व से बचें। लेकिन आपकी जो राशि है तुला, ये वायु तत्व राशि है, और केतु के जो स्वभाव प्रभाव लक्षण, आपको बाजरा या 7 प्रकार के अनाज छत पर डाल सकते हैं, गंगा के अंदर या बहते हुए जल में मछलियों को आटा दे सकते हैं, कुत्ते को परौठा खिला सकते हैं, और वो कुत्ता बहुत सेलेक्टेड होना चाहिए, चितकबरा जिसमें 2-3 कलर मिक्स हो जिस कुत्ते के अंदर, या कुष्ठ आश्रम या अनाथ आश्रम में सरसों के तेल के परौठे बना करके आप दे सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।